रसोई में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम बनाते हैं परवल की सब्जी। आज हम आलू परवल की सब्जी बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। ये हम ऐसे ही परवल को ऊपर से सब सारे परवल को छील लेंगे। और ये परवल थोड़ा सा लंबा साइज का है तो इसका हम 3 टुकड़ा करेंगे, नहीं तो जब छोटा रहता है ना तो उसका बस 2 ही टुकड़ा करते हैं। ऐसे करके हम सारे परवल को काट लेंगे। ये हमने एक कढ़ाई में तेल गरम किया है, अब हम उसमें इस परवल को फ्राई कर लेंगे। ऐसे करके हम थोड़ा सा चलाएंगे और हम इसे ढक के पकाएंगे जिससे कि परवल हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए ऐसे चला के हमने इसे ढक दिया है। अब 2 मिनट ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद फिर हम उसे ढक्कन हटा के फिर से चलाएंगे। ऐसे करके हम इसे 5 मिनट तक पका लेंगे और जब हमारा परवल फ्राई हो जाएगा हम इसे निकाल लेंगे। देखिए हमारा परवल फ्राई हो गया है। अब हम इसी कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल डाल के और ये खड़े मसाले डाल देंगे। जब हमारा ये मसाला चटकने लगेगा उसमें हम डाल देंगे ये कटा हुआ प्याज। हमने 2 मीडियम साइज का प्याज इससे हम बारीक काट लिया था लंबे साइज में। अब इस प्याज को हम थोड़ा सा ऐसे ही पका लेंगे। उसमें हम डाल देंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन। अब हम इसे भी ऐसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, जैसे क्योंकि ये कच्चा रह जाता है ना लहसुन तो उसका फिर बहुत अच्छा स्मेल नहीं आता। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 3 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर। ये देखिए और 1 टीस्पून गरम मसाला। और इसमें फ्रेंड्स हम डालेंगे 1 टीस्पून तीखी वाली मिर्ची पाउडर। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के अब हम इसे ऐसे चला देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटा हुआ टमाटर, इसे भी हम ऐसे चला देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। ये देखिए हमने डाल दिया है। अब हम इसे ऐसे ऐसे चला लेंगे। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी, इसे हमने हाथ से क्रश कर लिया है। अब हम इसे भी अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए हम इसे ऐसे चलाते रहेंगे जब हमारा मसाला तेल छोड़ने लगेगा। लगभग 5 मिनट में मसाले को भुनना है, फिर हम उसमें डाल देंगे ये फ्राई किया हुआ परवल। अब हम इसे भी थोड़ी देर ऐसे ही चला लेंगे और ऐसे ही चला के फिर हम इसमें डाल देंगे आलू। जब हमारा परवल थोड़ा सा पक जाएगा ना मसाले में, फिर हम इसमें आलू डाल के इसे भी हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेंगे। देखिए ऐसे चलाते हुए हमें भूनना है। ये हमारा आलू परवल पूरा अच्छे से भून गया है मसाले में। अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। पानी आप अपने हिसाब से डालिए, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद है। अभी देखिए इसका ग्रेवी आप लोगों को बहुत पतला लग रहा होगा ना, लेकिन जब ये अच्छे से उबलेगा, क्योंकि इसमें उबला हुआ आलू है, जब उबाल आएगा ना सब्जी में तो फिर ये गाढ़ा होने लगेगा। देखिए हमने इसे 2 मिनट ढक के पकाया है। अब देखिए हमारा सब्जी जो है ना धीरे धीरे करके इसका ग्रेवी एकदम जो है बराबर पे आ जाएगा। देखिए हमने इसे गैस बंद करके ढक दिया था 2 मिनट के लिए। अब हम इसे इसमें ग्रीन धनिया काट के डाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छा सब्जी बना है ना फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।